बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कैरमिनो की पेयरिंग के ऊपर, कि कैरमिनो हम बर्ड्स किस किस पेयरिंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो हम आपस में पेयरिंग लगाएंगे जो दूसरे जो समय पर आ सकते हैं वो कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो कैरमिनो की पेयरिंग के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। 4 से 5 पेयरिंग इंशाल्लाह आपको बताऊँगा आज, ताकि आप इस सीज़न में, ताकि आप सीज़न स्टार्ट होने से पहले इंतज़ाम करके उसको एज अ ब्रीड उसको मैनेज कर सकें। तो चलिए बगैर टाइम जाए कि अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वाली वीडियो अब तक नोटिस की जा सके। कैरमिनो बर्ड को प्रोड्यूस करने में जो सबसे पहली पेयरिंग आती है हमारे पास, जो नॉर्मली इस हॉबी में जो लोग हैं हॉबी को समझते हैं, वो हॉबी से रिलेट भी करते हैं, उनको आइडिया होगा कि जो हमारी पेयरिंग आ जाती है एक लो बजट में उसकी पेयरिंग है, उसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, ट्रिपल स्प्लिट इनो। तो आप लगाते हैं कि इससे अल्बाइनो रेडाइज है, तो पहली पेयरिंग है इसमें पार्बुल स्प्लिट इनो, उसके साथ अल्बाइनो रेडाइज। मेल लगा दें या फीमेल लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ये भी अक्सर देखते हैं कि मेल कौन सा लगाना है, फीमेल कौन सी लगानी है। ये जो आपको पेयरिंग बता रहा हूँ उसमें मेल फीमेल का कोई मसला नहीं होता, कोई भी लगा सकते हैं मेल और फीमेल, लेकिन दो बर्ड्स की जो जेंस हैं वो इस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पार्बुल स्प्लिट इनो, वो जब आप लगाते हैं अल्बाइनो रेडाइज से, इसमें आपको 4 किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। इसमें जो पहला जिक चिक्का आता है वो उसमें पार्बुल स्प्लिट इनो होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स के अंदर अल्बाइनो रेडाइज का मेल होगा या फीमेल होगा जो भी हो उसमें। तो इस पेयरिंग से हमारे जो दूसरा चिक्का आ सकता है वो है अल्बाइनो रेडाइज आ सकता है। तीसरा जो चिक्का आएगा उसमें ब्लू फिशरी आएगी। जो चौथा चिक्का आएगा वो अल्टरनेट होगा, हमारा कैरमिनो प्रोड्यूस होगा। ये जो मैंने 4 रिजल्ट बताए हैं वो आपको पहली पेयरिंग जो बताई है उसमें से रिजल्ट आ सकते हैं। अब जो लोग ये पेयरिंग लगाना चाहते हैं उनको ये चीज़ समझ में आसानी होगी कि पेयरिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। दूसरी जो पेयरिंग उसमें आ जाती है हमारी टेकिनो, वो हम लगाते हैं अल्बाइनो रेडाइज के साथ, उसमें हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं। उसमें जो पहला हमारे पास बर्ड आता है वो अल्बाइनो रेडाइज आता है, दूसरा जो बर्ड आता है वो हमारे पास अल्बाइनो ब्लैक आई भी आ सकता है, तीसरा जो बर्ड आता है अगेन उसमें टेकिनो भी आ सकता है, और जो चौथा आता है उसमें बर्ड वो है कैरमिनो। तो ये 4 रिजल्ट हमारी दूसरी पेयरिंग में आ सकते हैं। तीसरी पेयरिंग हमारी आ जाती है, एक आप कैरमिनो विजुअल लें उसकी पेयरिंग करें अल्बाइनो रेडाइज के साथ। इस पेयरिंग में आपको कैरमिनो प्रोड्यूस होने में चांसेस तो बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मोर्टेलिटी जो रेशो होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि कैरमिनो हमारा एक कमज़ोर ब्लड का एक बर्ड होता है, साथ में आपका अल्बाइनो रेडाइज भी आ सकता है। इस तरीके से आपके 3 से 4 बर्ड जो हमारे पास आते हैं वो इस पेयरिंग से भी आ सकते हैं। चौथी जो पेयरिंग आती है आपको सिर्फ उसमें प्रोड्यूस ही कैरमिनो करना है। पेयरिंग कुछ इस तरह हुई कि दोनों तरफ से विजुअल बर्ड होंगे, मेल भी कैरमिनो का होगा, फीमेल भी कैरमिनो की होगी। उसमें आपको कैरमिनो तो प्रोड्यूस होगा, उसमें ये होगा कि मोर्टेलिटी जो रेशियो होगा वो उसमें ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर एक फर्ज करें, एक पेयरिंग में अगर आप 4 बर्ड प्रोड्यूस कराते हैं कि हो उसमें मे भी हो सकता है कि 2 चिक सर्वाइव कर सकें, एक चिक सर्वाइव कर सकें। अगर ज़्यादा ब्लड एंड एचसी का एक बर्ड है, मतलब बाकी क्रॉस हुआ हो किसी ब्लैक आई बर्ड से, क्रॉस होकर आया हो, तो उसके जो जीन्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर जो 3 से 4 चिक्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। पांचवी जो पेयरिंग आती है वो पेस्टलिनो की है। पेस्टलिनो के साथ अगेन आप एक अल्बाइनो रेडाइज लगाएंगे, जब उसके पास उसमें रिजल्ट आएंगे, दूसरा जो बर्ड आएगा हमारे पास अल्बाइनो रेडाइज आएगा, तीसरा जो बर्ड आएगा हमारे पास पेस्टलिनो आएगा, चौथा जो बर्ड आएगा हमारे पास कैरमिनो भी आ सकता है। 4 से 5 आप पेयरिंग में से अल्बाइनो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने शेड में। पेयरिंग में जो मुझे ज़्यादा पसंद पेयरिंग है, ना कि मोर्टेलिटी रेट भी इसमें ज़्यादा हो बर्ड का, और जो मैंने आपको 4 से 5 पेयरिंग बताइए, इन बर्ड में से, इन पेयरिंग में से आपको हर चिक जो भी निकलेगा वो अच्छी क्वालिटी का ही निकलेगा, और आपको आगे वर्किंग करने में भी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और जो मेरे हवाले से एक बेस्ट पेयरिंग है कैरमिनो प्रोड्यूस करने की, उसके साथ जो अल्टरनेट दूसरे बर्ड निकाल दें डेकिनो, और उसकी पेयरिंग करते हैं हम अल्बाइनो रेडा के साथ। इस पेयरिंग में से आपको, अगेन मैं आपको बताता चलूँ, 4 किस्म के बर्ड आ सकते हैं। डेकिनो आ सकते हैं, अल्बिनो रेडा आ सकता है, अल्बिनो ब्लैक आ सकता है, और अगेन कैरमिनो प्रोड्यूस हो सकता है। ये 4 बर्ड हैं, इसमें कोई भी हल्का बर्ड नहीं है। 4 जो इसमें बर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं उनकी माशाल्लाह अच्छी मार्केट है, कि अच्छी फिजिबिलिटी भी है अगर आप कैलकुलेट किसी करेंगे तो मार्केट के हिसाब से। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अपने शेड में कैरमिनो प्रोड्यूस करने की, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। इन 4 से 5 पेयरिंग जो आपको मैंने बताई, अगर आपको कोई सूटेबल लगती है अपने जेब के हिसाब से, सबसे लो जो इसमें पेयरिंग है मैं वहाँ से शुरू हुआ हूँ, हाई वाली पेयरिंग का आपको बता चुका हूँ। सबसे लो बजट में जो आपकी पेयरिंग आती है वो पार्बुल स्प्लिट इनो, उसको आप लगाते हैं अल्बाइनो रेडाइज के साथ, उससे थोड़ी पेयरिंग महंगी आ जाती है। डेकिनो को लगाते हैं हम अल्बाइनो रेडाइज के साथ, उससे महंगी पेयरिंग आती है। कैरमिनो को हम लगाते हैं अल्बाइनो रेडाइज के साथ,
और इनमें सबसे महंगी पेयरिंग आती है कैरमेनो टू कैरमेनो की पेयरिंग की, और दिन आखिर में आती है पेस्टेलिनो, वो पेयरिंग करते हैं हम अल्बिनो रेडे के साथ। और आपको इन सब की मैंने एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आएगा वो भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।